नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अविनाश और आप सब लोगों का फिर से ए के इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे एक डेस्कटॉप पीसी को हॉटस्पॉट सिस्टम में बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम आपको बताएंगे एक छोटे से डिवाइस के बारे में जिसका नाम है वाईफाई अडेप्टर, USB वाईफाई अडेप्टर। ये मार्केट में 250 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक उपलब्ध होता है, और वो अलग बात है कि वो प्राइस वाइज इसकी रेंज अलग होती है, कनेक्टिविटी अलग होती है, लेकिन ये मिनिमम 250 रुपये में भी मार्केट में इजी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, हम करेंगे क्या कि इस वाईफाई कनेक्टर को अपने डेस्कटॉप पीसी में कनेक्ट कर देते हैं और एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम अपने डेस्कटॉप को वाईफाई हॉटस्पॉट में बदल देते हैं, जिससे होगा क्या कि हमारे पास बहुत सारे वाईफाई लैपटॉप या फिर मोबाइल हैं, उन सब में डेस्कटॉप के द्वारा ही हम उनसे कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे डेस्कटॉप है और वाईफाई ये लैन केबल के द्वारा वो इंटरनेट डेस्कटॉप में चल रहा है, लेकिन वाईफाई रेंज नहीं है आपके सिस्टम में, वाईफाई कोई राउटर नहीं है, तो आप इस छोटे से वाईफाई को खरीद करके अपने घर में वाईफाई रेंज बना सकते हैं। यानी कि आप अपने आपके पास जितने भी वाईफाई लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी वाईफाई डिवाइस हो, उसके जरिए आप अपने सिस्टम के थ्रू हॉटस्पॉट बना करके नेट चला सकते हैं अपने मोबाइल या डेस्कटॉप लैपटॉप में। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाईफाई कनेक्टर को USB पोर्ट में लगा देते हैं अपने सिस्टम के डेस्कटॉप में, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम आपको सिस्टम पे करके दिखाते हैं कैसे हम इसके प्रोग्राम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और कैसे ये हॉटस्पॉट के जरिए काम करता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हम वाईफाई डोंगल को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जाकर देखते हैं, इस पर नेटवर्क वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए इसका वाईफाई रेंज भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप जब डिवाइस इसे कनेक्ट करेंगे तो उस सिस्टम में सबसे पहले इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा, तभी ये रेंज आएगा। तो ये वाईफाई एरिया यहाँ पर शो करने लगेगा वाईफाई रेंज में जो भी आएंगे। तो वाईफाई को ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए इसके जब हम परचेज करते हैं तो इसके साथ एक ड्राइवर का CD मिलता है, तो उस ड्राइवर CD को रन करवा के आप उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए। तो हमने स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर को चला करके पहले ही इसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये वाईफाई रेंज भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर कर क्या सकते हैं कि अगर आप किसी वाईफाई रेंज में हैं तो उस वाईफाई का यूज करके अपने डेस्कटॉप में वाईफाई के थ्रू इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन हमारे डेस्कटॉप में पहले से ही लैन के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट है और हम यहाँ पर चाहते हैं कि अपने डेस्कटॉप को एक हॉटस्पॉट के रूप में बदल दें और अपने मोबाइल और जो भी लैपटॉप हमारे डिवाइसेस हैं वाईफाई डिवाइसेस, उन सब में अपने डेस्कटॉप के थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट के जैसे अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप मोबाइल वगैरह में इंटरनेट कनेक्ट करें और उसे इंटरनेट यूज करें। तो देखिए, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम गूगल से अभी डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम है बैडू वाईफाई हॉटस्पॉट। तो इसे हम डाउनलोड करते हैं, गूगल पे टाइप करेंगे बैडू AIDU वाईफाई हॉटस्पॉट। ये देखिए फाइल हिप्पो एप्लीकेशन से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को बॉडी वाईफाई हॉटस्पॉट को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक करते हैं। अब इसे इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो हमारा ये डाउनलोड होने के लिए IDM के थ्रू आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पे, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी है तो डाउनलोड होने में ये समय नहीं लगाएगा, तुरंत आ जाएगा आपका फाइल। ये देखिए, पहले से हमने इसे डाउनलोड किया था इसलिए एक जगह हम ओके करते हैं और इसे ये डाउनलोड हो गया, 4 MB का फाइल था। ओपन फोल्डर में जा करके करेंगे और इसे मिनिमाइज कर देते हैं हम। ओपन फोल्डर में हमने किया है तो ये डाउनलोड होकर जहाँ पर जाएगा वो विंडो खुलेगा, उसमें जा करके हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करते हैं।
यस और इसे मिनिमाइज कर दे। अब इसे इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए क्रिएटिंग वाईफाई हॉटस्पॉट, ये इंस्टॉल हो गया और स्टार्ट हो गया। तो ये स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगाता है, क्रिएटिंग वाईफाई हॉटस्पॉट यहाँ पर करता है। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब इस रेंज में हम किसी मोबाइल वगैरह को ले जाएंगे, हम अपने मोबाइल के वाईफाई को स्टार्ट करेंगे। तो ये वाईफाई नेम इसका ये हो गया 404, नेटवर्क अनअवेलेबल। यहाँ पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करते हैं तो बहुत सारा नाम यहाँ पर पहले से मिलता है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे चेंज करके लिख देते हैं एके इन्फो, और इसका पासवर्ड ये है। आप इसे 8 डिजिट से 32 डिजिट में रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड को हम यही रहने देते हैं, और यहाँ से हम ओके कर, वाईफाई डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसका लिस्ट आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं हमारा वाईफाई कनेक्ट होता है कि नहीं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने मोबाइल में देखते हैं, वाईफाई में जाते हैं और यहाँ पर वाईफाई सिग्नल में देखते हैं। तो इस पहले हम वाईफाई को ऑन कर ले और यहाँ पर देखेंगे सर्च लिस्ट में, तो ये आ रहा है हमारा एके इन्फो यहाँ पर सेकंड वाला। इसे हम सिलेक्ट करते हैं और इसका पासवर्ड डालते हैं। हमने पासवर्ड जो लगाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए कनेक्टेड हो गया। अब हम यहाँ पर नेट चलाकर देखते हैं अपने मोबाइल में, यूट्यूब वगैरह। ये देखिए खुल रहा है, कोई वीडियो हम प्ले करके देखते हैं, ये चल रहा है। ये देखिए अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं। अब हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं, तो देखते हैं उस एप्लीकेशन में क्लाइंट नेम यहां पर आ रहा है नजर। ये देखिए यहां पर क्लाइंट नेम नजर आ रहा है। ये देखिए यहां पर क्लाइंट नेम वाईफाई फ्रेंड के थ्रू जुड़ा हुआ है, और जितने भी कनेक्टेड होंगे डिवाइसेस यहाँ पर उस लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से हमने अपने डेस्कटॉप पीसी को एक हॉटस्पॉट के रूप में कनेक्ट कर लिया। और जैसे जैसे हमारे पास जितने भी लैपटॉप होंगे, मोबाइल होंगे, हम अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। अभी अगर हमारे पास कोई बड़ा वाईफाई राउटर ना हो, तो हमारे पास जो डेस्कटॉप है लैंड वायर के थ्रू चल रहा है, उसमें हम यूएसबी वाईफाई अडेप्टर लगा करके उसे हॉटस्पॉट के जरिए बना देंगे, बड़ा सा हॉटस्पॉट सिस्टम बना देंगे, और जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप होंगे हम उससे कनेक्ट करके इंटरनेट हम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और आपको ऐसा लगता है कि कोई बेहतर टॉपिक पे, कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो हम बनाएं, तो प्लीज कमेंट लिस्ट में देखिए, उस पर हम वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं इन सब रिलेटेड कोर्सेज से एडमिशन लेना, तो प्लीज हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और यहां पर आकर के हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट करें। तब तक के लिए थैंक यू।